10th फेब्रुअरी हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर था और मिनिमम टेम्परेचर सबसे लोएस्ट हुआ है फुलवानी 7.0 डिग्री सेंटीग्रेड, दारिंगबाड़ी में भी 10.0 डिग्री सेंटीग्रेड, कंधमान डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव कंडीशन प्रिवेल कर रहा था और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा मेनली इंटीरियर में व कोस्टल में भी 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बिलो नॉर्मल अभी टेम्परेचर था। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा इसमें अभी टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज करेगा तो नॉर्मलाइज होगा, अगला 3-4 दिन व 4-5 दिन में हमारा 3 to 4 डिग्रीज तक राइज कर जाएगा सभी जगह में। और 5 दिन ही अगला 5 दिन ही ड्राई वेदर रहेगा। शैलो टू मॉडरेट फॉग हमारा कोस्टल मेनली नॉर्थ कोस्टल का कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसा कल सुबह व अर्ली मॉर्निंग आवर्स में नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स, ओंगोल, ढेंकनाल, नयागढ़, खुर्दा, कंधमाल, इस सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके हो सकता है। फिर हमारा 12 तारीख सुबह भी फॉग कंडीशन हो सकता है, बोध, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, खुर्दा, नयागढ़, मलकानगिरी, कोरापुट, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। फिर 13 तारीख में भी कुछ कुछ जगह में एक दो फॉग होने का चांसेस है, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, कटक, पलासोर, मलकानगिरी, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में। अभी भुवनेश्वर सिटी में 15.4 टेम्परेचर था, आज 3 डिग्री बिलो नॉर्मल। भुवनेश्वर सिटी में अभी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा, सुबह टाइम मिस्ट व फॉग टाइप वेदर होने का चांसेस है फॉर वेरी लिटिल पीरियड। तो इसमें टेम्परेचर से कल सुबह 17 का आसपास रहने का चांसेस है। सभी जिला में अभी धीरे धीरे मैक्सिमम टेम्परेचर भी राइज करेगा क्योंकि अभी डे टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ओके।